खड़े हो। हैप्पी दिवाली। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा लगाया है। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वंस अगेन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड एंड आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो आज है लक्ष्मी पूजा और ये है हमारा बड़ा दिवाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू विश ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे हो। ओके, इसीलिए मैं ये व्लॉग जो है हिंदी में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स आधा को नेपाली समझ में आता है, आधा को नहीं। इसीलिए आई वॉन्टेड एवरी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग टुडे। सो अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मे दिस ईयर तो अब एंड होने वाला है, कमिंग ईयर्स भी आप लोगों का हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस हो और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा रहे। सो लाइक यूजुअल लक्ष्मी पूजा का जो है काम चल रहा है, दो तीन दिन आगे से ही घर का सफाई सब कुछ तो कर रहे हैं, वो तो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल डूइंग। ओके, तो सुबह मैंने घर का पूजा कर लिया है, तो अभी मैं कर रही हूँ मेरा मंदिर को डेकोरेट। सो आपको जल्दी से वो दिखाने वाली हूँ। सो या लेट्स गो टू माय मंदिर। सो गाइस, देख सकते हो दिस इज माय मेन मंदिर। तो ये मेन मंदिर को इस बार मैंने सभी को पिंक थीम दिया है, मंदिर को भी। सो सब पिंक पिंक है। सो कल ही मैंने मंदिर को साफ कर लिया था, सो इसीलिए मुझे आज थोड़ा सा काम कम पड़ गया, सब मैंने कल ही साफ कर लिया था। और यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ अपनी लक्ष्मी माता को, सो इसका ही मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। सो आई थिंक अभी काम के वजह से मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग नहीं दिखा पाऊँगी मैं कैसे कर रही हूँ, पर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोग एक बार में दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। सो इसको मैं पूरा करती हूँ, डेकोरेशन को कम्प्लीट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया अपना सारा पूजा का सामान। तो ये दिया को भी मैंने पानी में भिगो के दो दिन आगे से किया था, उसको सुखा के रखा है। केले का पत्ता, फूल, और ये जो फूल है रजनीगंधा और मैरीगोल्ड, ये मैं यूज़ करने वाली डेकोरेशन में। और यहाँ पे है माता लक्ष्मी का सबसे फेवरेट फ्लावर, दैट इज़ लोटस। और यहाँ पर हम लोगों का नेपाली में ये मिलता है पान का पत्ता। सो अब शुरू करने वाली हूँ डेकोरेशन, तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, अभी मैं इतना ये माला से मैंने डेकोरेट किया इतना, अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसमें लाइट वाइट लगाऊंगी। सो अभी इतना कंप्लीट हो गया है, सो बहुत सुंदर दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा हो गया है डेकोरेशन कम्प्लीट। तो बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन किया है, आप लोगों को कैसा लगता है मेरा डेकोरेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, एंड अभी आपको दिखाने वाली हूँ सिंपल सा डेकोरेशन, सभी रेडी कर लिया मैंने रात के लिए, पूजा के लिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं ना कि ये चढ़ाना था, वो चढ़ाना था, फिर लाया तो था सामान पर भूल गए हम। तो इसीलिए कुछ ना भूलने के लिए मैंने सभी को थाली में रेडी करके रखा है, ताकि बाद में जाके मुझे लाइक कुछ भी सोचना ना पड़े। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरा डेकोरेशन। ये है मेरा डेकोरेशन दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा किया था। तो इस बार ये रेडीमेड फ्लावर जो है ना, रजनीगंधा और मैरीगोल्ड का, ये लाने से मुझे बहुत ही आसानी हुआ, क्योंकि उसको खाली इसे रस्सी में, यहाँ से यहाँ तक रस्सी में लेके मैंने लगा दिया है। तो ऐसे करके डेकोरेशन हुआ है। माँ लक्ष्मी जी को यहाँ पे रख दिया है, विष्णु भगवान को भी, गणपति बापा को भी, और कलश का स्थापना भी मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे दिया विया लगाना बाकी, अभी पता नहीं मैंने सही किया है गलत किया है, बार बार हर साल करती हूँ फिर भी मैं भूल जाती हूँ वो क्या कहाँ पर रखना है। तो आई होप मैंने सही किया होगा। तो दिया भी, घी का दिया वगैरह भी मैंने रेडी कर लिया है गणपति बापा के लिए और लक्ष्मी माता के लिए भी। और यहाँ पे थाली में मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, चुनरी, फल, लोटस फ्लावर, सभी जो जो मुझे चढ़ाना है धो के सभी को रेडी कर लिया है मैंने। और मेरा पूरा मंदिर को भी मैंने ऐसे लाइट से सजा दिया है, सो इट्स लुकिंग वेरी गुड। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी लग रहा है ये देख के मुझे। और यहाँ पे मेरा सेकेंड काम हो रहा है, अभी यहाँ पे दिया का भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बाती लगा के। अब यहाँ पे तेल डाल के इसको भी रेडी करके रख लेती हूँ, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फल खाऊँगी, चाय पीऊँगी। सो भूख भी लग रहा है थोड़ा सा, सो ये कर रही हूँ। इसके बाद मैं करूँगी मेरा माला का काम।
तो अभी मैं कर रही हूँ भोग का प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख लिया था, तो मैं खीर बना रही हूँ। तो हर एक साल मैं खीर बनाती हूँ भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे दूध और चावल को दे दिया है, पहले मैं पानी में पकाती हूँ उसके बाद दूध डालती हूँ, खीर बहुत अच्छा बनता है। ओके, सो ये है मेरा भोग का प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत थक गई हूँ, सुबह से लेके लगे ही हुए हैं काम पे। अभी लंच तो क्या है, फ्रूट्स भी नहीं खाया, तो अभी मैं फ्रूट्स खाऊंगी, चाय पीऊंगी, क्योंकि व्रत में चाय पीने का बहुत मन करता है। तो ऐसे व्रत तो नहीं है, मैंने कम्प्लीटली व्रत तो नहीं रखा है, पर आई एम नॉट टेकिंग एनी सॉल्ट, एनीथिंग सॉल्टी फूड मैं नहीं खा रही हूँ, तो शाम को ही खाऊंगी मैं। तो फ्रूट ऐसे कुछ बना के मैं खा लूँगी विदाउट सॉल्ट। तो अभी ये मेरा प्रसादी जो है भोग का भी, वो भी बन रहा है। तो लाइक साल में एक बार आता है लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, तो लाइक भगवान के लिए जब हम लोग करते हैं तो लाइक वो थकने का एहसास भी नहीं होता, बहुत खुशी आता है। और दिवाली में तो बहुत लाइक वी फील सो हैप्पी टू डू ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा मेरा रंगोली बनाया, रंगोली में इतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगी इस बार, छोटा सा बनाऊँगी। और मेरा हाफ ऑफ द काम ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा बहुत रह गया है डेकोरेशन वगैरह। सो अभी के लिए मैं ये व्लॉग यहीं पर थोड़ा सा पॉज करती हूँ। मैं आप लोगों से शाम को मिलती हूँ जब मैं पूजा ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को मैंने कैसे घर को डेकोरेट किया है, इतना तो नहीं किया है पर जो भी किया है वो आप लोगों को दिखाऊँगी। सो स्टे ट्यून। ओके, तो अभी के लिए थोड़ा सा पॉज, बट स्टे ट्यून गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर पॉजिंग एंड अगेन कमिंग बैक टू माई वीडियो। सो अभी अभी मैं और अनुज ने पूजा ख़त्म कर लिया है। सो दिन भर अनुज घर पे नहीं थे, क्योंकि वो भी ऑफिस का पूजा करने के लिए गए थे। सो वो अभी तो नहीं, सो दो तीन बजे आ गए थे। सो और मेरा हेल्प किया। सो अभी हम लोगों ने पूजा ख़त्म कर लिया है, आप टीका देख सकते हो। सो अभी मैं आप लोगों को मेरा मंदिर का दर्शन कराऊंगी, उसके बाद मैंने घर में कैसे दिया जला है, कैसे डेकोरेशन किया है, वो आपको दिखाऊंगी। डेकोरेशन तो इतना ज़्यादा नहीं किया है, फिर भी जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू पीपल। सो फर्स्ट मैं आप लोगों को माँ लक्ष्मी जी का दर्शन कराती हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये है, अभी हम लोगों ने आरती ख़त्म किया है, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। सो ये है लास्ट मेरा फाइनल मंदिर का लुक। सो ये है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा इस बार मेरा लक्ष्मी माँ का जो है डेकोरेशन हुआ था। सो मुझे तो बहुत पसंद आया। सो दिस इज़ इट। सो यहाँ पे जो जो मुझे लाइक भोग लगाना था, माता को देना था, वो सब मैंने यहाँ पे लगा दिया है विथ हर फेवरेट फ्लावर, दैट इज़ लोटस फ्लावर। सो ये स्टैंड बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन से और बहुत ही अच्छा आया, और बेस्ट पार्ट है ये धनतेरस के दिन ही आया था। सो दिस इज़ माय मंदिर का लुक। सो यहाँ पे देखिए, इस साइड तक एक्सटेंड होता है मेरा मंदिर। सो दिस इज़ द मंदिर। ओके, एंड आप लोग भी लक्ष्मी जी का ब्लेसिंग ले लीजिएगा। सो अभी मैं आप लोगों को अपना गेट से दिखाने वाली हूँ, गेट से लेकर घर के अंदर तक आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बाहर से। सो स्टेयर्स में भी हम लोगों ने ऐसे करके दिया लगाया है, और यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा, इस बार एकदम बड़ा नहीं बनाया, तो एकदम ही छोटा रंगोली बनाया क्यूट सा। यहाँ पर है हमारा एंट्रेंस, यहाँ पे मैंने दो कलश लगाए हैं, हम लोग नेपाली ऐसे करके लगाते हैं। सो ये है माला। सो ऐसे करके हम लोगों ने एंट्रेंस को डेकोरेट किया है। सो इसके बाद हम लोग चलते अंदर। अंदर यहाँ पे देखिए, ये एकदम ही मुझे बहुत पसंद आया था इस बार। ये है आपका पानी से जलने वाला दिया, इलेक्ट्रिक दिया, इलेक्ट्रिक ही है, ये बैटरी से चलता है, इलेक्ट्रिक बोल दिया, पानी से चलता है, इको फ्रेंडली भी है, और अंदर में मुझे लगा कि लाइक इसे कुछ हार्म भी नहीं होगा, धुआं भी नहीं होगा, और जलने का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा यहाँ पे। तो अंदर आपको दिखा चुकी हूँ मेरा मंदिर। ओके, और यहाँ पर भी मंदिर में भी मैंने ऐसे करके फ्लोटिंग कैंडल्स वगैरह जलाया है। एक तो क्या हो गया भाई यहाँ पे, ख़त्म भी हो गया क्या, छोड़ दीजिए इसको बाद में जलाती हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसे करके मैंने फूल से डेकोरेट करके यहाँ पर भी ऐसे करके किया है
मंदिर तो आप लोगों को दिखाई दिया, लक्ष्मी माँ का दर्शन भी करा दिया। सो अभी चलते हैं मेरा लिविंग रूम में। सो ये है मेरा लिविंग रूम और इसको भी मैंने डेकोरेट किया है कैंडल्स से। और थोड़ा सा हो गया, डिम रहने दीजिए। सो कैंडल जलाया यहाँ पे, सेंटेड कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर भी मैंने कैंडल्स जलाया हुआ था जो अभी बुझ गया, थोड़ा देर हो गया। सो यहाँ पर भी मैंने सेंटर टेबल को डेकोरेट किया फ्लावर्स से। ये है ओरिजिनल फ्लावर्स, गदावरी फ्लावर्स। ओके, मुझे बहुत पसंद है ये ओरिजिनल फ्लावर्स। और ये भी एक सेट आया था जो अंदर मैंने मंगाया था, तीन का सेट है। इसका आप लोगों को लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। तो इसको भी मैंने कैंडल्स जला के डेकोरेट किया था। और यहाँ पर भी मैंने ये वाटर दिया लगाया है और यहाँ पर भी कैंडल जलाया हुआ है। एंड यहाँ पर भी ऐसे करके मैंने ये वाटर कैंडल्स लगाया है। और इसके बाद यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रिक से मैंने डेकोरेट किया। इतना ज़्यादा तो नहीं किया क्योंकि इतना करने में मेरा बाप रे पसीना छूट गया था। सो ये है मेरा, आप लोग देख सकते हो, लिविंग रूम का नज़ारा। ओके, सो इसके बाद अनुज यहाँ पे आराम फरमा रहा है। उसके बाद बाहर पे हम लोगों ने ऐसे करके डेकोरेशन किया है, लाइट्स लगाया है एंड नीचे भी हम लोगों ने दिया जलाया है। सो इतना ही है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी माला लगाया हुआ है। सो यही है हम लोगों का छोटा सा परिवार और छोटा सा डेकोरेशन। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का दिवाली ब्लॉग। सो इतना ज़्यादा तो मैंने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया था, मुझसे जितना बन पाया मैंने वो किया है क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और करने वाली भी मैं अकेली थी क्योंकि ये जो अनुज है ये तो आधा दिन ऑफिस में चला गया इसका। सो इसीलिए मुझे करना पड़ा सब। सो दिस इज इट, अनुज कम हियर, लेट्स विश एवरीवन, कम हियर, नो कम हियर, स्टैंड, खड़े हो, हैप्पी दिवाली सबको हमारे तरफ से एकदम हैप्पी 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 दिवाली। माँ लक्ष्मी का कृपा आप लोगों के साथ हमेशा हो, हमेशा आप लोग खुश रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। सो दिस इज आवर प्रेयर फॉर ईच एंड एवरी वन, टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज आवर टूडेज ब्लॉग। सो इफ यू लाइक माई टूडेज ब्लॉग देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। हैप्पी दिवाली, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे लेके जाइए, आपका फ्रेंड लोग को भी बोल दीजिए, सबको बोल दीजिएगा। इस बार फर्स्ट टाइम अनुज ने बोल दिया है तो शायद वो भी सकता है। बाय, हैप्पी दिवाली गाइज़।